अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे अचारी गोश्त, बिल्कुल जायकेदार, नए स्टाइल में, नए जायके में। इससे पहले आपने इतना जायकेदार अचारी गोश्त कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं घर में कैसे बनाएं अचारी गोश्त। अचारी गोश्त बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गोश्त लिया है और इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया है। हमने दो बड़े टमाटर कट कर लिए हैं, दो गाजर कट कर लिए, एक आंडी प्याज कट कर लिए और हमने ये अचार वाले मोटे मिर्चे 5-6 ले लिए हैं और हमने ये साथ में अचार का मसाला जो हम इसकी वीडियो इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, इसकी वीडियो हम दिखा चुके हैं बनाने की। और इसके साथ हम ये इसमें चाट वाला मसाला थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे और साथ हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, हम अपने जायके के मुताबिक डाल रहे हैं। 1 टीस्पून डाला है और हम इसमें जो है ये डालेंगे धनिया पाउडर, ये हम 2 टीस्पून डालेंगे और साथ ही हम इसमें जो है हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी भी आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। चिली पाउडर हमारा 2 टीस्पून है और कुकर में हमने थोड़ा ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम लौंग और इलायची डाल देते हैं। लौंग इलायची पहले डालने से तेल में अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका, लौंग इलायची का। और हम इसके बाद इसमें जो प्याज हमने डाली है ये डाल देंगे, प्याज हमारी ब्राउन कर लेते हैं हम। प्याज हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त जो है हम थोड़ी देर इसकी इसमें भुनाई करेंगे इसका कलर बदलने तक, इसका अच्छा कलर बदल जाए, थोड़ी देर फ्राई हो जाए। मसाले हम आपस में मिक्स कर लेते हैं इस तरह से सारे मसाले। उसके बाद हम इसमें जो है एक जीरा लगाएंगे और इसको मिर्चों को हम इसमें डालना है। इसमें बहुत मसाला हमें नहीं भरना है, बस थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि हमारी अचारी गोश्त है। हमें पूरा मसाला नहीं भरना है, बहुत थोड़ा सा, ये देखिए इतना इतना इसमें भर लेना है, ऐसे ही सूखा मसाला ताकि इसमें खुशबू फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इस तरह से हमने सब मिर्चे भर लिए हैं और हम ये बाकी मसाला गोश्त में डाल देंगे। गोश्त हमारा अच्छा फ्राई हो गया, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। ये मेरा 50 ग्राम प्याज है, 50 ग्राम अदरक है और 50 ग्राम हमारा लहसुन है। अब हम इसके अच्छे से इसमें डाल के थोड़ी देर भुनाई कर लेते हैं। साथ ही हम ये जो ये मसाला बचा हुआ था ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको जो है थोड़ी देर भुनाई करते हुए इस मसाले मिलाते जाएंगे इस तरह से हम। और हम इसमें जो हमने टमाटर और गाजर निकाली थी ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और ये टमाटर भी हम शामिल कर देंगे। और हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी इतना डालेंगे कि हमें गोश्त को गलाना है, बहुत पानी नहीं डालना है बार बार। चलिए इस तरह से हमारा जो है इसमें हम सीटी लगा देते हैं और 2-3 सीटी लेने तक पका लेते हैं इसको। प्रेशर निकलने के बाद हमने गोश्त देखा, हमारा गोश्त जो है गल चुका है कायदे से। गोश्त की बुनाई करते हुए हमें इसमें नींबू का रस भी, आधा नींबू का रस भी ऐड कर देना है क्योंकि हम अचारी गोश्त बना रहे हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। इसके भी थोड़ा पानी डालकर हम इसकी धीरे धीरे बुनाई करते रहे। अब अच्छी खुशबू आने लगी है तो हमने ये जो मिर्चे थे ये हम शामिल कर देंगे जो भर के रखे थे। एकदम लास्ट में जब आपकी बुनाई हो जाए तभी आप इसको शामिल कीजिएगा, पहले से मत शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा जो है पानी डाल देते हैं, 2-3 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन यूं ही बंद कर देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारी मिर्ची थोड़ी सी गल गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद करते हैं, अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए अचारी गोश्त तैयार है। इसको बनाने का तरीका पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपी आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।